अभी जो बेनिफिशियरी दे रहा है, जो बोर्ड का जो फंक्शनिंग है, जैसे डेथ बेनिफिट है, एजुकेशन बेनिफिट है, मैटरनिटी का बेनिफिट है और सेकुलरशिप का बेनिफिट है, तो ये एक्चुअली हम लोग जो बेनिफिट जो दे रहा है कि बोर्ड का ही इतना साल से हम लोग कंटिन्यू ये बेनिफिट देते जाता है, जब एजुकेशन का डेट का, तो इस टाइप से हम लोग ड्राफ्ट बना के उन लोग को देता है। लेकिन ये जो है अभी हम लोग कम से कम बहुत वर्कर्स का, सारा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल का 24 डिस्ट्रिक्ट का ड्राफ्ट यहाँ पड़ा हुआ है लॉकडाउन होने का कारण से। तो इसीलिए हम लोग ने डिसीजन लिया कि एटलीस्ट कैपिटल वाला को जो हम लोग कम्युनिकेट कर सकता है, तो हम लोग एक एक लेबर का मैं खुद अपना इंटरेस्ट से सब मोबाइल नंबर को कलेक्ट किया, तो मुश्किल से हम लोग ईटानगर का 21 मोबाइल नंबर हम लोग ने कलेक्ट किया। 21 में से आज कम से कम हम लोग 21 बेनिफिशियरी मिला है, तो इनका ड्राफ्ट हम लोग ज़्यादा भाई इसमें डेथ बेनिफिट का है, तो 51,000 से डेथ बेनिफिट। उसका बाद में 5 आदमी रह गया जिसका कांटेक्ट नहीं मिला, किसी का मोबाइल स्विच ऑफ है, कोई असम में फंसा हुआ है, बाकी का हम लोग दे दिया है, जो लोग आज आया है बेनिफिशियरी दे दिया है ज़्यादा मत डेथ बेनिफिट का। तो अभी भी बोर्ड ड्राफ्ट ये सिर्फ कैपिटल का है, जितना जो ड्राफ्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा है ये कैपिटल का डेथ बेनिफिट है, एजुकेशन का बच्चा लोग का या ड्राफ्ट ऐसे पड़ा हुआ है। अभी कोलोरियांग का है, तवांग का है, बमजिला का है, सपांग का है, वो लोग हम लोग निकाला ही नहीं है, पूरा करोड़ रुपया का हम लोग चेक काट के रखे हैं वर्कर्स का बेनिफिट, लेकिन दे नहीं पाया। तो कोशिश कर रहा हूँ हम लोग कैपिटल वाला को, अगर ये सब को प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो डिस्ट्रिक्ट वाला को भी इनवैलिड होने से भी, लेकिन वो लोग को मिलेगा, वर्कर्स लोग को डरना नहीं है कि इनवैलिड भी अगर हो गया है फिर हम लोग द्वारा इसको प्रोसेस करेगा, फिर द्वारा चेक काट के वर्कर्स को जहाँ जहाँ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर लोग को हम लोग बेच देगा। में अभी जो हम लोग ये जो बेनिफिट है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों का है, इसमें कोई ये अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज का मैटर नहीं है। जो बेनिफिशियरी है बोर्ड में अभी हम लोग का 46,000 काल तक का रिकॉर्ड में, हम लोग बोर्ड काफ़ी मेहनत किया है कि 46,000 अभी अरुणाचल में बेनिफिशियरी वर्कर्स है। तो अभी इसमें से जो भी ये बेनिफिट मिलता है वो मिलते रहे, दे में एक हफ्ता में कम से कम हम लोग 20-25 लाख का इंक्रीमेंट होते रहता है, ऐसे ड्राफ्ट बना बना के बेचता है, क्योंकि बोर्ड का ही ये पैसा इसी के लिए ही है, ये बेनिफिट के लिए है। तो ये इसका बाद ये अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही बेनिफिट है, इसमें कोई डिस्टिंग्यूश नहीं है। सर रिसेंटली जो बोर्ड का तरफ से गवर्नमेंट का तरफ से जो सेंक्शन किया था कि 2,000 रुपीज़ मिलना अनऑर्गेनाइज लेबर्स को, तो वो कैसा चल रहा है, दे रहा है सर वो, कितना लोगों को दिया गया है? अभी हम लोग का 2,738 टोटल अनऑर्गेनाइज सेक्टर का था, तो इसमें से अभी हम लोग कम से कम 1,000 जैसा हम लोग अकाउंट कलेक्ट किया है, उसमें से किसी का बैंक इको बैंक का है, कोई एपेक्स बैंक का है, कोई रूरल बैंक का अकाउंट नंबर है, इसलिए किसी किसी का रिजेक्ट करके वापस आया, जिसका रिजेक्ट स्टेट बैंक में जो ऑलरेडी अकाउंट है, कम से कम 800 अबव ऑलरेडी बेनिफिशियरी हम लोग आरटीजीएस कर दिया अकाउंट। उसका बाद फिर अभी हम लोग कंटिन्यू अकाउंट कलेक्ट कराए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर आरओ लगा हुआ है और सबको पता है लॉकडाउन का कारण से कोई बाहर नहीं निकल सकता और ऑफिसर लोग भी घूम नहीं सकता, और खास करके जो लेबर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो इतना इंस्टीशन मैंने वो में नहीं है, इसलिए ड्यूटी भी लगाया नहीं है सारा प्रशासन का वहाँ डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए जितना जो अकाउंट कलेक्ट किया है हम लोग कंटिन्यू दे रहा है, और ये मिस होगा नहीं, 2 महीना का हम लोग एक साथ ना, 2 महीना का हम लोग 2,000 था, एक अप्रैल मई का 2,000 था, लेकिन हम लोग उसको 4,000 डायरेक्ट झमेला ख़त्म करने के लिए 2,000 करके 4,000 डायरेक्ट पैसा में दे रहा है। बोर्ड लोग को बेनिफिट भी मिल रहा है और बोर्ड लोग का अभी रास्ता में साथ जा रहा है, अकाउंट में ही जा रहा है, और अकाउंट ऐसे प्रॉब्लम है कि अकाउंट कलेक्ट करने में किसी किसी का लेबर है जो हजरा में काम करता है, इनका पास बैंक अकाउंट भी नहीं होता है, तो अभी वो लोग को अकाउंट खुलने में भी हम लोग लगा दिया है कि आप अकाउंट खोलो कम से कम। अभी अकाउंट खोलने के लिए फिर लॉकडाउन है, बैंक में नहीं जा सकता है, निकल नहीं सकता है, इसलिए इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेके घूम नहीं सकता है। टोटल सर टोटल अमाउंट कितना सेंक्शन हुआ कोविड-19 के बाद, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को सेंक्शन अमाउंट कितना दिया गया था सर? अभी जो हम लोग जो टोटल मनी जो गवर्नमेंट का जो एक चेकर से जो पैसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा है, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाता है,
डीसी में चला जाता है। डीसी को जितना डीसी को ही वो लोग गवर्नमेंट पैसा दे रहा है लेबर के लिए, जो भी वेलफेयर, जो भी गरीब पोर पीपल के लिए, सब डीसी को दे रहा है। लेकिन हम लोग का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जब जो 2000 रुपया देने के लिए जो सरकार ने जो हमारा पेमा खांडू सर का सरकार जो ने इम्प्लीमेंट किया है, इसमें हम लोग अपना लेबर वेलफेयर कंस्ट्रक्शन बोर्ड से हम लोग पैसा दे रहा है। अभी तक हम लोग का 33 लाख हम लोग अभी तक 33,28,000 हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उसका बाद अगर वो बढ़ेगा तो आपका 2,738 ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एज पर बोर्ड का रिकॉर्ड में, तो आपको 4,000 करके कितना होगा, 33,28,000 ऑलरेडी हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुका है। सिर्फ अभी पैसा बैंक में डाल रहा है, और बैंक में डालने के लिए भी यहाँ का एक स्टाफ रहना पड़ता है, बैंक में एक पियोन चौकीदार रहना पड़ता है, बैंक मैनेजर व स्टाफ का साथ बैठना पड़ता है, अकाउंट को मिलाना पड़ता है, इतना दिक्कत वाला काम है। अगर इसको ऐसे बेच देता तो पहले हम लोग सबका अभी पहुंच जाना था। अगर इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कई रिपोर्ट करने में, कैलकुलेशन करने में, नंबर्स को टोटल करने में कई मिस्टेक हो गया है, तो फिर हम लोग द्वारा फिर सिंशन करेगा। हाँ जी, एजुकेशन बेनिफिट अभी टोटल तो हमारा 1,000 से ज़्यादा हम लोग बेनिफिट पहले का। अभी जो बेनिफिट ऐसा इस प्रकार का है, एजुकेशन बेनिफिट में दो तीन प्रकार का है, 51,000 से लेके 10,000 तक है ना, 50,000 से लेके आप तो 10,000 तक है। अलग अलग कैटेगरी का है, जैसे कोई MBBS का है, फॉरेस्ट्री का है, एग्रीकल्चर का है, अलग अलग। इसलिए मैं कमन में बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन बेनिफिट जो है आपका 50,000 से लेके 10,000 तक हम लोग कैटेगरी वाइज देता है। और डेथ बेनिफिट जो है, जो नॉर्मल डेथ जो हॉस्पिटल में मर गया है, उसको हम लोग 51,000 देता है। अब 51,000 में से 1,000 जो है फ्यूरियल के लिए देता है, इसीलिए उसको हम लोग प्लस कर देता है। उसका बाद में एक्सीडेंट, कोई गाड़ी उड़ी में कोई एक्सीडेंट होकर मर गया है, उसको हम 1,01,000 माने 1,00,000 जो है बेनिफिट, और जो फ्यूअल के लिए 1,000, तो टोटल 1,01,000 डेथ बेनिफिट को देता है। दूसरा जो मैटरनिटी जो बेनिफिट है कितना देता है, 1,000, 2,000। उसका बाद शादी का है 10,000, 20,000 तक। अभी हम लोग सीएम साहब को हमने बाद में रिक्वेस्ट किया है, अभी कुछ वो रेडी करके हम लोग रखा है, जो लॉकडाउन का कारण से हम लोग काम नहीं कर पाया। शादी का पैसा भी शायद बढ़ेगा, मैटरनिटी का भी बढ़ेगा शायद, डेथ बेनिफिट वगैरह वगैरह, और भी बहुत बेनिफिट है यहाँ में, जो टूल्स एडवांस है, हाउसिंग लोन्स है, लेबर को 1,00,000 रुपया देना चाहिए। तो लास्ट ईयर हम लोग 20, मैं कभी कभी सोचता हूँ कैसा क्या हो गया ये हमारे स्टेट में, देश में। लास्ट ईयर हम लोग 27 फरवरी 2019 में हम लोग हाउसिंग लोन 5,00,500 लेबर को लॉन्च करने का प्रोग्राम हम लोग रखा था। सीएम हमारा पेमा खांडू सर पूरा रेडी हो गया था लेबर लोग को घर बनाने के लिए, पैसा देने के लिए। अरुणाचल में फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट हम लोग लेबर का घर बनाने के लिए पैसा देने के लिए प्लानिंग किया था, कुछ PRC इशू का कारण से हम लोग कर नहीं पाया। तो इस बार हम लोग सेक्रेटरी और बोर्ड जो हम दोनों ने प्रोग्राम बना रहा था, मई या अप्रैल का लास्ट में कम से कम 200 जैसा आदमी हाउसिंग लोन शुरू करने वाला का एक प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन अभी कोरोना आ गया, COVID-19 आने का कारण से ये भी प्रोग्राम चौपट हो रहा है। इसके लिए मेरा दिल में बहुत दुख है, जो मेरा